तो साथ में मोहसिन साहब भी मौजूद हैं और शाकिर अब्बास भी मौजूद हैं, तो ये तो मजीद मजे की बात होगी। यार सर कैसे मिला था? अल्लाह के हम बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा यूट्यूब चैनल है तो उसमें काफ़ी इंडियन जो है वो भी फॉलोअर्स हैं, तो आपने तो तब क्रिकेट खेली की जब इंडियन टीम पाकिस्तान की आती थी, काफ़ी अल्लाह खुदा होता था, शुक्र लगता था। तो आजकल भारत क्रिकेट तो नहीं हो रही, अब कोई होप के हालात में तो हो जाए क्रिकेट शुरू हो जाए, तो जरा कोई दो चार एक आधा कोई वाक्य इंडियन टीम को लेके दिया वो पाकिस्तान में, कैसा एटमोसफेयर रहा, कैसा वेलकम दिया जैसे हम कराची में हमारा पहला वनडे था, तो जैसे हम ग्राउंड पहुंचे तकरीबन 8:30 बजे हम पहुंचे, एक तो बिल्कुल जैम पैक था स्टेडियम, फुल जैम पैक, और एक चीज़ देख के बड़ी हैरानी कि पाकिस्तान और इंडिया का फ्लैग जो था इकट्ठे था, फ्रेंडशिप सीरीज का नाम था। हमने कहा यार ये पाकिस्तान इंडिया की सीरीज में तो बड़ा अल्लाह बड़ा होता है, बड़ी रैली होती है, कैसे खैर वो सीरीज कामयाब ही तभी हुई थी कि उनके एक्टर्स वगैरह एक्ट्रेसेस वगैरह उन्होंने भी ट्रैवल किया, तो यहाँ आए थे, बहुत पब्लिक आई थी और काफ़ी जो है उनके प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, और बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सीरीज गई थी और बिल्कुल पहला मैच वो भी तकरीबन 350 रन से पाकिस्तान चेस करने वाला था, बिल्कुल हमें भी काफ़ी अच्छा वो था। अच्छा इंडियन प्लेयर्स को कैसा वेलकम दिया गया? आपने बताया कि बड़ी अच्छी थी, वैसे एक परसेप्शन है कुछ पाकिस्तान टीम इंडिया जाती है वहाँ अच्छा वेलकम दिया जाता है, उनके प्लेयर्स का क्या मतलब, आप तो जाहिर है होटल में बैठा ही है, उनका पाकिस्तान आके क्या उन्होंने एक्सप्रेस किया कि कैसा उनको महसूस हुआ था? तो उनको भी बहुत जो फील हो रहा था वो यही हो रहा था कि उनको बहुत मज़ा आ रहा है, वो इस चीज़ के बहुत इन्जॉय कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो हॉस्पिटैलिटी है या जो भी है, क्योंकि प्लेयर्स जो होते हैं ना प्लेयर्स वो अंडरस्टैंड करते हैं कि यार ये जो खेल जो है पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर है, ये जो पॉलिटिकल बातें हैं वो उसको तो खेल से बिल्कुल कनेक्ट नहीं करना चाहिए ना। खेल खिलाड़ी जो होते हैं एक दूसरे के दोस्त भी होते हैं, और जो खिलाड़ियों के फैंस होते हैं वो बहुत मोहब्बत करते हैं अपने फेवरेट प्लेयर के साथ। हमारे पाकिस्तान के काफ़ी फेवरेट प्लेयर्स हैं जो इंडियंस को बहुत पसंद हैं, इंडिया के भी प्लेयर्स हमें हमारे फैंस को पसंद हैं, तो वो जो एक फैन इंटरेक्शन है प्लेयर्स के साथ वो एक डिफरेंट लेवल है। इस तरह पाकिस्तान में काफ़ी सारी शामिल फिल्में भी देखी जाती है और अभी भी देखी जाती है, बहुत पसंद किया जाता है, पिछले 4-5 साल तक तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, अब कोई फिल्मों का इतना मियार अच्छा नहीं है उनकी, तो हमारे जो उनकी फिल्मों के इतने फैंस नहीं मौजूद, लेकिन शाहरुख खान तक और सलमान खान आमिर खान तक बहुत लोग जो है ना बड़े क्रेजी फैंस। अच्छा वो टीम इंडिया की काफ़ी मतलब जो उनके बड़े बड़े नाम जब बने बाद में तब तो खेल भी रहे थे, युवराज भी आई गेस थे और बाकी जो रायना वगैरह ये सारे तब मतलब नए नई टीम में आए थे, बाकी में टीम उनकी काफ़ी अच्छी थी, तो कौन से ऐसे को प्लेयर थे ज़्यादा गपशप करके ज़्यादा इंजॉय करते, ज़्यादा एंटरटेनमेंट किस्म के एंटरटेनमेंट जो थे उस वक्त हमारे टाइम में तो एक हरभजन सिंह था, उसके साथ हमें बहुत गपशप लगती थी, और युवराज भी बड़ा फ्रेंडली बड़ा उसके साथ बड़ी गपशप करते थे, और मोस्टली ज़्यादा प्लेयर्स में मैं आपको बता रहा हूँ आपस में बहुत दोस्ती थी। मुझे याद है हम कहीं ट्रैवल कर रहे थे तो हरभजन उठ के आ गए थे हमारे साथ इंडिया के अंदर ही, हम सब जी हाँ इंडिया में 2 टूर्स बने थे 2005 में 2007 में 2 टूर्स। किस किस ग्राउंड में ज़्यादा जाए कि आप खेलने इलाके के चाइकिन जो है ज़्यादा जो दिल्ली का जो काम था तो वहाँ भी बड़ा शाह कोटला है फिरोज शाह कोटला वहाँ में भी जो क्राउड था बड़ा जो है ना जैम पैक होता है टेस्ट मैचेस में ना बड़ी वहाँ पे बाद में वहाँ पे जो क्राउड बड़ा जैम पैक होता है। मैं भी इनको बता रहा था कि इसका हमारा पहला वनडे था कराची में पाकिस्तान इंडिया ग्राउंड 8 बजे पहुँचे तो जैम पैक पाकिस्तान इंडिया के फ्लैग से
ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। हम दो एक तो लॉबी में फुल लॉबी वो कलकत्ता में मुझे याद है होटल में लोग रात को वहाँ पे अपना खाना लेके आए और फैमिलीज के साथ वहीं पे सोते थे। अच्छा सुबह जब हम नीचे यकीन करें लॉबीज नहीं हम तो सोते थे रहते थे आगे अच्छा उनको कुछ नहीं कहते थे कि आप जाओ होटल की जो मैनेजमेंट थी ना वो समझते थे और हम वहाँ पे शॉपिंग करने एक मार्केट थी कलकत्ता में उन्होंने बंद कर दिया प्लाजा रोडों पे रश थी पूरा उसने ब्लॉक कर दिया लोगों का इतना रश बन गया जो लोग हैं वो तो जहरी बात है खेल के साथ मोहब्बत है खिलाड़ी के साथ मोहब्बत है लेकिन पॉलिटिकल जो पॉइंट स्कोरिंग है वो डिफरेंट है वो अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए खेल को भी बदनाम करते हैं खिलाड़ी को भी बदनाम करते हैं ये खास मौसम भाई आप भी इंडिया गए हैं तो आप दो चार लोग बताइए आपका कैसा बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ जाने का 25,000 का क्राउड था और पाकिस्तान का जब नेशनल एंथम बजा तो यकीन करें पता नहीं चल रहा था और वो सारे तमाशाई आप बिलीव करें कि वहाँ पे हर बंदा हीरो था चाहे वो जर्नलिस्ट हो चाहे वो प्लेयर हो कमाल का रिसेप्शन था उन्होंने फिर एक अंदर रिसेप्शन भी रखा हुआ था ऑडिटोरियम था उसमें बड़ा जबरदस्त हुआ और वहाँ के लोग अच्छा वो लोग आपके पास आ जाएंगे आपको पकड़ लेंगे आपसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में क्या है हम में क्या फर्क है और इतने फ्रेंडली मतलब मैं 16 दिन रहा हूँ अच्छा दिल्ली में सही है और एक दिन भी मुझे खुद बैलेंस नहीं करना पड़ती मोबाइल का हालांकि सबसे महंगी कॉल है इंडिया से पाकिस्तान क्योंकि आपकी कॉल अमेरिका जाती है अमेरिका से वो आया मतलब लोग इतनी मोहब्बत में आपको बताऊं बिजनेसमैन आते थे वहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए मिलने वहाँ के अपना कमिश्नर मुझसे मिलने आए वहाँ के डीसी और जो भी बड़े बड़े अहदेदार वो मेरे पास आते थे मिलने के लिए मिले और मुझसे पूछते थे मेरी साफ सिक्योरिटी पे दो पुलिस वाले भी थे तो मैं बहुत सारे मंदिरों में भी उनके गया आप यकीन करें आपने फुली एंजॉय किया वहां यानी हिस्टोरिकली बड़ा कभी यानी महसूस हुआ कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ वहाँ के जितने टॉप के जर्नलिस्ट थे रात 3-3 बजे तक मेरे साथ होते थे और आप यकीन करें जब मैं वापस आने लगा वो रो रहे थे बकायदा और मुझे ना सिर्फ उन्होंने अपना सीनियर दिया बल्कि एंड तक मेरे साथ रहे जब तक हमारी दोस्ती बस निकल नहीं गई वो वही रहे पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत अच्छा बहुत अच्छा पीपल टू पीपल कांटेक्ट तो जो है वो काफी यहाँ पे रिलेशन होता रहता है ऑब्वियसली आजकल इंटरनेट का सोशल मीडिया का दौर है बड़ा अच्छी रिस्पॉन्स आप मतलब ये चाहेंगे ये ख्वाहिश के दोबारा मतलब पॉलिटिक्स को साइड पे करके क्रिकेट के जो स्पोर्ट्स है वो आपस में रवाबत जो है वो पाएंगे एक दूसरे को करीब लेके आए देखिए मैं इसमें एक बात कहूँगा जो हमारी पाकिस्तान तो चाहते ही पीस है ठीक है अगर पाकिस्तान पीस की बात करता है और स्पोर्ट्स तो ऑब्वियसली जब इतनी आउट ऑफ द वे हो गए जो जिमनास्टिक शो कर रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट शो कर रही है तो स्पोर्ट्स तो बहुत बाद में आती है यार स्पोर्ट्स तो मेरे ख्याल से एक प्रायोरिटी होती है किसी भी नेशन की स्पोर्ट्स पे तो कोई जंगों वाले लोग भी आपस में खेलते हैं लेकिन पाकिस्तान तो बाद ही पीस की कर रहा है बाद ही तो स्पोर्ट्स एक ऐसा टूल है इसको उसको स्पोर्ट्स को बिल्कुल पाकिस्तान की टीम मुझे फेवरेट लग रही है ठीक है सेमीफाइनल के लिए इंडिया की लग रही है दो वेस्ट इंडीज की लग रही है और चौथी टीम मुझे लग रही है या फिर इंग्लैंड की होगी या साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज की टीम इस वक्त बहुत अच्छा खेल रही है वर्ल्ड कप के स्तर के ऊपर है तो मेरे ख्याल से इस फॉर्म को अगर वो कैरी करेंगे तो वर्ल्ड कप में कोई अपसेट ठीक हो गया जी बस जी आपसे आप इजाजत ही लेंगे
और बस यासिर साहब बैठे हुए थे, हमने कहा चले गपशप कर लें आपके लिए, जो है आपके मैसेजेस भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, तो आई होप कि आप लाइक करेंगे इस वाली एपिसोड को भी, फिर दोबारा आपसे कॉन्टैक्ट होगा। थैंक यू वेरी मच। नहीं होगी नहीं नहीं होगी इस काम में जो मास्टर है पुत्र सर जी।